अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी का नाम है मोमोज और ये बहुत टेस्टी बनती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। स्टेप वन में हम मोमोज के लिए आटा गूंध लेते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल में हमने एक कप मैदा लिया है, इसको डाल देंगे हम। और एक टीस्पून हमने ऑयल लिया है, ये इसमें चला जाएगा। और साथ में ये दो तीन चुटकी हमने नमक लिया है, ये इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लेनी है। एकदम ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। ये इसकी हमने अच्छे से इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। ये देखें, इसे हम 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट देंगे और अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसे हम ढक देंगे। अब मोमोज के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने इधर तकरीबन हाफ कप हमने बंद गोभी लिया और इसे हमने कद्दूकस कर दिया। हमने ये इसमें डाल देनी है। हाफ कप गाजर ली थी, इसे हमने कद्दूकस करके ये भी डाल दिया है। और साथ में ये हमने 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया लिया, ये हमने डाल दिया इसमें। अब हमने एक टुकड़ा अदरक का लिया था, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक हरी मिर्च मैंने ली है, उसे मैंने बारीक काट लिया है। और 2-3 चुटकी मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पीसी हुई ली है, ये मैंने इसमें डाल देनी है। इसे हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से नहीं, मसल मसल कर हमने इसे मिक्स करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है मसल मसल कर। अब आपने कोई मलमल का कपड़ा ले लेना है या फिर आपने हाथों की मदद से इसका ये जो पानी है ये एक्स्ट्रा ये निचोड़ देना है। ये देखे, काफ़ी पानी इसका निकल जाना है और इसे आपने अलग से प्लेट में रख लेना है। ऐसी ये सारी वेजिटेबल हमने अच्छे से निचोड़ लिया और ये पानी जो है हम इसे फेंक देंगे। अब इसमें हमने 1 टीस्पून जितना ऑयल डालना है और साथ में ये 1/2 कप मैंने चिकन ली है उबली हुई, ये हमने इसमें डाल देनी है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारी फिलिंग जो है मोमोज के लिए तैयार हो गई है। मैं चिकन मोमोज बना रही हूँ, आप इसमें कीमा भी बना सकते हैं। अगर आप चिकन या गोश्त वगैरह से आप इसे नहीं खाते तो आप सिर्फ सब्जियों से भी बना सकते हैं। ये इंडियन रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो अब हम जो आटा हमने गूंदा था तो उसको हम पेड़े बना के बेलते हैं आपके सामने। आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बराबर से बिल्कुल छोटे छोटे हमने बनाने हैं। इतने इतने से सारे तोड़ के हमने रख लेने हैं एक साइड पर। ये हमने बराबर सा इक्वल सा आटा हमने पेड़े बना के छोटे छोटे काट के रख लिए हैं। अब आपने एक पेड़ा उठाना है और इसको अच्छे से आपने ऐसे हाथों की मदद से इसे गोल करते हुए ऐसे दबा लेना, ये देखें, और इसे हमने बेल लेना। थोड़ा सा आप खुशका भी लगा सकते हैं या खुशके के बगैर भी अगर आप बेल सकते हैं तो बेल लें। इसे हमने पतला सा बेलना, ये इस तरह आपने इसकी पतली सी रोटी छोटी सी बेल ले ली है। और ये जो हमने फिलिंग तैयार की है ये इसमें आपने थोड़ी सी रखनी है, ज़्यादा भी नहीं डालनी और कम भी नहीं। ऐसे हमने इसे डाल देना है और एक तरफ से आपने इसे उठाना है और इसके हमने ऐसे प्लेट डालने हैं जैसे हम प्लेट वगैरह डालते हैं कपड़ों को भी। इसके ऊपर एक को एक के ऊपर हमने ऐसे रखते जाना है और इसे दबाते भी जाना है ताकि ये जो हमारे प्लेट्स हैं ये खुले नहीं, और इसे घुमाते रहना और घुमा घुमा के आपने इसके ये प्लेट डाल लेने हैं। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह हमने प्लेट डाली है और बाकी का जो हमने इसके साथ ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखें, और दबाते हुए हमने इसे ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, ये हमने मोमोज बना लिए हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह ये आपने रोटी लेनी है और इसमें आपने फिलिंग भरनी है। ये आपने एक तरफ से उठाना है और इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखना है और इसको साथ में आपने दबा देना है ताकि ये खुले नहीं जो आप इसके प्लेट्स डाल रहे हैं। इसी तरह आपने घुमाते हुए इसको तकरीबन आपने हाफ से ज़्यादा करना है क्योंकि बाद में जो बाकी रह जाएगा वो हम इसके साथ फोल्ड कर देंगे। ये देखें,
ये इस तरह करके इसे आपने उठा लेना है। उठा के आपने इसको इसके साथ आपने प्रेस करके दबा के मिला देना अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं। और ये देखें, इसी तरह हमने सारे मोमोज़ बना के रखते जाना है। मोमोज़ हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसे हम भाप में इसे पकाएंगे। तो इधर पानी हम देगची में रखते हैं। देगची में हमने पानी डाल दिया और पानी को उबाल आ रहा है। तो आपने एक स्टैंड ले लेना है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। और ये जो मोमोज़ हमने बना के रखे हुए हैं इधर, तो ये इसके ऊपर आपने एक एक करके ऐसे रख देना। ये हमने सारे इसके स्टैंड के ऊपर रख दिए हैं। और अब आपने आराम से ये जो स्टैंड है ये इसमें रख देना है। और आँच जो है आपने मीडियम रखनी है। और इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप छलनी भी, कोई आटा छानने वाली वगैरह हो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो 10 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, तो मोमोज़ बनकर रेडी हैं। गैस का चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। और ये इसकी ज़रा भाप निकल जाती है, तो फिर इसे हम डिश आउट करते हैं। मोमोज़ बनकर रेडी हैं, इसे हमने डिश आउट कर दिया है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसे नहीं देना, क्योंकि फिर 10 मिनट से ज़्यादा आप इसे बॉईल करेंगे तो ये फिर हार्ड हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और नए आने वाले और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें ज़रूर। और कल हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।